हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सस्नेहा द्विवेदी, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की एक और वीडियो लेके आई हूँ। यह है बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि अगर आप इग्नू स्टूडेंट है तो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। हम वेक्टर्स के ऊपर आज एक वीडियो देखेंगे, वेक्टर्स के ऊपर का ये सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है। ओके, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, ये मैंने किया है जून 2018 BCA 012 का, जून 2018 का क्वेश्चन पेपर जो मैं कंटिन्यू सॉल्व कर रही थी उसी का मैंने आगे कंटिन्यू किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। इसमें क्या करना है, दो लाइंस के हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं, ये और ये, टू लाइंस का और लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, वेक्टर्स के केस में हम एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आज हम सीखेंगे। बहुत इजी है, कुछ भी डरने की कोई बात नहीं है। जैसा आप आगे अभी तक समझते आए हैं वैसे ही ये भी समझ लीजिए, इजी है। जैसे बाकी के क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं वैसे ये भी इजी लगेगा। वन मोर थिंग, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो का एंड तक पूरा देखिए, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लास्ट में, अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ लाइक में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर भी करते रहिए ताकि आपके बाकी के फ्रेंड्स को भी क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए। एंड इग्नू में बहुत बैक्स लगती हैं, आई नो, तो आपकी बैक्स भी क्लियर हो जाए आई होप, एंड आपके फ्रेंड्स की भी हो जाए। आप भी चाहेंगे कि आपके फ्रेंड्स की भी हो, क्योंकि अगर आप ट्रू फ्रेंड्स हैं तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि हाँ, अगर आप उसको कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे, बट कोई नहीं, आई नो सब चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को भी पास करना, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, हमें दो लाइंस के कुछ वेक्टर्स दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं इस तरीके से, इनका हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये एस है एंड ये टी है, इसका ध्यान रखना है, ये यहाँ से सेपरेट हो जाता है। आगे मैं बताती हूँ कैसे करते हैं हम। इस तरीके से आपको दो इक्वेशंस दी रहेंगी, उसके बीच में आपको उसके बाद क्या करना होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, द एंगल, एंगल क्या है हमारा, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दीज लाइंस इज डिफाइंड बाय द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी की डायरेक्शंस है उसी से डिफाइन कर। तो बस इसी की तरह हम ये वीडियो, ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। ऑल्सो वी नोटेड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देखो ये सब कुछ, इन सब, ये सब लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना होगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा एंगल क्या है दो लाइंस के बीच में, जब हमें वेक्टर्स की फॉर्म में दिया रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी वैक्टर, बी वैक्टर वन बी डैश वैक्टर डैश अपॉन बी वैक्टर, ये हमारा इस तरीके से हम इसको बार्स में लिखेंगे, बी वेक्टर डैश, ये डैश ज़रूर लिखेगा, ये इस तरीके का ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो एक बी वेक्टर होगा और बी डैश वेक्टर होगा, ये सब ऐसे ना भी लिखे तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, नीचे जो मैंने किया है इसको ध्यान देना है, सिंपल कॉस वेक्टर ये मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से यहाँ भी बार लगेगा, एंड यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा जो आपका ये टी वाला जो पार्ट था, मैंने बोला था इसको ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा ध्यान से, ये इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो आएंगे ये आएंगे, जब वहाँ पे हमारा फार्मूला था, क्या था फार्मूला, दिस बी वेक्टर बी डैश वेक्टर इस तरीके से नीचे आएगा बार में बी वेक्टर एंड दिस बार में फिर से बी डैश वेक्टर इस तरीके से, तो ये जो हमारा बी, ये जो हमारा बी है, ये दोनों, ये यहाँ पे बी हमारा जो पूरा रोल है वो इन्हीं दोनों का रोल होगा, जो भी हमारा रोल होगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों का होगा, ठीक है। तो इन दोनों का आप देखेंगे यहाँ पे जो आएगा ये दोनों लिख देंगे, दोनों के दोनों पूरा वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कैसे किया मैंने इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे टी के बाद में जो वेक्टर लिखा था और ये एस के बाद जो वेक्टर लिखा था, ये दोनों यहाँ पे कर दिए, और नीचे इन्हीं दोनों वेक्टर्स का, इन्हीं दोनों वेक्टर्स के जो कोफिशियंट्स हैं 1, 3, 1, 2, 2 इनके स्क्वायर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं यहाँ पे, इनके स्क्वायर्स आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 का -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और साथ में क्या लगता है यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे फिर अंडर रूट में रहता है, और अंडर रूट में ये अलग अंडर रूट रहता है, ये अलग अंडर रूट रहता है, यहाँ पे इसका कोफिशियंट आ जाएगा 3, 3 इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 6 का स्क्वायर इज़ 36, इस तरीके से हमें करना है।
ओके हमें पहले वाले वेक्टर उसके कुछ नहीं करना, जो हमारा टी के बाद वाले जो थे वो देखना है एंड उसके एस के बाद वाले जो वैक्टर थे उनका यूज़ करके ये हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, ये कैसे आया ये देखिए, ये इनके कोफिशियंट्स को मल्टीप्लाई किया है। वन का आई का कोफिशियंट वन, वन इंटू थ्री इज थ्री, माइनस टू इंटू माइनस टू इज फोर, प्लस फोर आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, टू इंटू थ्री इज ट्वेल्व। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए थ्री फोर फोर एट एंड नाइन, नाइन अंडर रूट नाइन, अंडर रूट नाइन को आप क्या लिख सकते हो थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिख दिया। थर्टी सिक्स प्लस दिस दिस ये हो जाएगा आपका फोर्टी नाइन, तो फोर्टी नाइन का स्क्वायर को हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं सेवन, सेवन सेवन से फोर्टी नाइन, इसलिए यहाँ पे आ गया सेवन। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी वन बार में, और बार में आया तो भी हम इसको क्या लिख सकते हैं नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी वन। तो ये आपका, ये तो आपका आया कॉस थीटा, क्या फाइंड आउट हुआ इससे आपका कॉस थीटा, बट हमें क्या निकालना है सिर्फ एंगल, सिर्फ थीटा निकालना है। तो थीटा हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स, जब कॉस इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये स्टेप करना बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ तक कॉस की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट वो तो है ही, क्योंकि उसको निकालने बिना आप एंगल नहीं निकाल सकते, इसलिए कॉस थीटा निकालेंगे पहले, देन आप थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, कॉस को इधर लिख के जाएंगे तो कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।